चलो क्लास शुरू करते हैं। सर बुकलेट में डाउट था। बुकलेट में डाउट ग्रुप में डाल देना, तो पहले ही बोल देते हैं क्लास में बुकलेट का भी डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। पहले टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो भी डाउट होगा ग्रुप में डालते जाना ना, ग्रुप में या फिर अलग से भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह तो हम 5 बजे से तो रिप्लाई करने लग जा रहे हैं, तभी भी तुम लोग को अभी दिक्कत है, सब क्लास में पूछना है। चलो हेडिंग डालो, बेंजाइन मैकेनिज्म। थोड़ा यूनिक टाइप का मैकेनिज्म है, मतलब इसका जरूरत बाकी जगह पे कहीं पड़ेगा नहीं, बट ठीक है। थोड़ा मतलब ऐसा बोल के चलेंगे कि याद रखना पड़ेगा, अगर ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में जैसे है ना कि लास्ट डे अगर नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो मोस्टली ये टॉपिक याद नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम लोग एकदम मतलब इतना यूनिक टाइप का रिएजेंट है कि कभी ऐसा रिएजेंट हम लोग यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली ध्यान नहीं रखा करते हैं। तो ये ऐसा मैकेनिज्म है सिंपल सा, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पूरे सिलेबस में बस एक ही जगह आएगा, कहीं पे तुम्हारे मतलब एक तरीके से सिक्वेंशियल रिएक्शन में निकल के नहीं आने वाला, कहीं और कहीं यूज नहीं होने वाला, बहुत आएगा सवाल तो एकदम यूनिकली इसी से आएगा, तो इसलिए इस टॉपिक का थोड़ा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह ये टॉपिक मेंशन कर रहे हैं तो फिर बार बार रिपीटेशन में नहीं आ रहा, तो बोलने के चांसेस आसानी से हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। बेंजाइन मैकेनिज्म वाले पार्ट में हेडिंग डाल दो, बेंजाइन मैकेनिज्म। पहले रिएजेंट वाला पार्ट मेंशन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन के आगे वाले पार्ट पे जाएंगे। एक मिनट, चलो ध्यान दो। जैसे अगर मान लो कि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में कोई भी एरिल हैलाइड है, मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन वाला पार्ट रहता है, तो इस केस में अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaNH2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, और ठीक है NH3 नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है NH3 वाला पार्ट रहना चाहिए। अगर हम लोग इस एरिल हैलाइड वाले पार्ट का रिएक्शन NaNH2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, तो उस केस में ऑल्दो एरिल हैलाइड वाला पार्ट SN2 रिएक्शन नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे रिएक्शन वाला पार्ट पॉसिबल होता है। इसमें एक चीज थोड़ा यूनिक है जो हम यहीं पे मेंशन कर दे रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ कार्बन 14 होता, तो इस केस में जब हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे हो सकता है कि कार्बन 14 वाले पार्ट पे हम लोग का हैलोजन ग्रुप अटैच्ड हो जाए, एक चांस है कि कार्बन 14 वाले पार्ट पे हैलोजन ग्रुप अटैच रहे, या फिर हो सकता है कि हम लोगों का जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो कार्बन 14 वाले पार्ट पे ना हो करके उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे हो, सॉरी यहाँ पे NH2 ग्रुप अटैच होगा, NH2- न्यूक्लियोफाइल है तो NH2 वाला ग्रुप अटैच होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है जिस कार्बन का हैलोजन है उसी के ऊपर NH2 वाला पार्ट चला जाए, या हो सकता है उसके बगल वाले पार्ट पे NH2 चला जाए। जब मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट क्योंकि ये रिएक्शन बहुत यूनिक है तो इसलिए हम ये रिएक्शन वाले पार्ट को यहीं पे सामने मेंशन करते चले जा रहे हैं। रिएक्शन नोट कर लो, रिएक्शन नोट करने के बाद मैकेनिज्म पे आते हैं। और क्योंकि बहुत ही पार्टिकुलर मैकेनिज्म है तो अगर सवाल पूछने का स्कोप है तो 2 से 3 टाइप के रिएक्शंस होंगे, उन्हीं 2-3 टाइप के स्कोप्स में हम लोग बात कर रहे होंगे, उसके अलावा कुछ और चीज हम लोग डिस्कशन में यूज नहीं कर सकते। अगर सवाल पूछेगा तो उन्हीं 2-3 पार्टिकुलर चीजों को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है। चलो ध्यान दो, रिएक्शन वाले पार्ट में सबसे पहला चीज तो ये कि इस कंपाउंड पे SN2 रिएक्शन या SNAR रिएक्शन तो हो नहीं सकता। SN2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एरिल हैलाइड पे होता नहीं है, पाई बॉन्ड वाला पार्ट है। SNAR नहीं हो सकता क्योंकि कोई -M ग्रुप नहीं है। इस केस में क्योंकि NH2- बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट है, इस वजह से NH2- वाला पार्ट रिएक्शन करने के ट्राई में रहेगा, एनी हाउ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। इस केस में नॉर्मली होता क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन है उस कार्बन से अटैच्ड जो दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन वाले पार्ट को हम लोग H+ के फॉर्म में हटाते हैं, मतलब NH2- H+ के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन को आराम से कार्बन के ऊपर डाल सकते हैं।
मतलब रिएक्शन में अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, बट यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हम लोग सबसे पहले स्टेप में होगा, हम लोग ऐसा कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। और एक बार हम लोग एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो इस केस में हम लोगों का इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज का फॉर्मेशन होगा बाकी कार्बन वाले पार्ट पे, हेलोजन वाला पार्ट, और जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट इस स्टेप में आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके, ऑल्दो आराम से तो नहीं करेगा क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से हेलोजन को हटाता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग एक चीज मालूम है कि रिंग वाले पार्ट में ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करें तो डबल बॉन्ड तो पहले से है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनना ही बनना है क्योंकि हेलोजन वाले पार्ट को रिमूव कर रहे हैं हम लोग। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोगों का यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तो अपने इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि रिंग में नहीं बन सकता बट फिर भी बन रहा है, मतलब काफी अनस्टेबल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑल्दो एक चीज ध्यान रखना, कंपाउंड वाला पार्ट एरोमेटिक नेचर का है, और एरोमेटिक नेचर का इसलिए है, ये हम लोग जीओसी वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है, ये बाहर वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस का पार्ट नहीं होता, पहला चीज। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग में चीज डिस्कशन कर चुके हैं कि कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कराता एक्सेप्ट बेंजाइन मॉलिक्यूल, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला पार्ट इन जनरल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कराता, लेकिन ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है ये पार्ट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रखा है। तो इस एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का ध्यान रखना, इसको हम नीचे भी मेंशन करने वाले, अलग से बोला भी था केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 में बताया जाएगा। तो इस केस में मॉलिक्यूल थोड़ा अनस्टेबल टाइप का, ऑल्दो एरोमेटिक है बट उसका जो पाई बॉन्ड है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर का है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी में बिल्कुल नहीं रहता है। तो अपना जो ये दूसरा स्टेप है, यही पार्ट अपना रिडिटरमाइनिंग स्टेप है। अब एक चीज सोच के देखो, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन है, अगर वहां कार्बन 14 है तो उसी कार्बन 14 से हेलोजन हटा और यहाँ कार्बन 14 मेंशन कर दिया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इस पर अभी हेलोजन को हम हटा करके यहाँ पे कुछ रिएक्शन कैरी आउट करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद वाले स्टेप में क्या होता है इस चीज की बात करते हैं। तो रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग बेसिकली ऐसा कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि हम लोग का जो NH2- है वह NH2- वाला पार्ट फिर से इसी कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करना चाहेगा, मतलब पहले स्टेप में H+ हटाएगा, पर क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो काफी वीक नेचर का है तो उसके इसमें पाई बॉन्ड वाला पार्ट आराम से ब्रेक करने की टेंडेंसी में है, तो NH2 आइदर इस नीचे वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा जिसके वजह से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग ऊपर वाले पार्ट पे आराम से डाल सकते हैं। एक ये पॉसिबिलिटी है हम लोग का, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये कि हम लोग का NH2 वाला पार्ट आराम से इस दूसरे कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करे तो यहाँ से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हम लोग दूसरी जगह पर डाल सकते हैं। मतलब हम लोग के पास टोटल दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं। उन दोनों में जिस भी कार्बन पे NH2- ऐड होगा उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब जहां ट्रिपल बॉन्ड था उन ट्रिपल बॉन्ड्स में जिस कार्बन के ऊपर NH2 ऐड होगा उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि इस पूरे रिएक्शन वाले पार्ट में एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग का NH2 वाला पार्ट इस कार्बन पे अटैच हुआ नेगेटिव चार्ज बगल वाले कार्बन पे, या दूसरा पॉसिबिलिटी ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का NH2 वाला पार्ट नीचे वाले कार्बन पे अटैच हुआ और बाहर वाले कार्बन पे माइनस चार्ज ऐड कर दिया, और इसके एडिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग के पास अमोनिया दे रखा है यहाँ पे रिएक्शन में, उस अमोनिया वाले पार्ट को हम लोग यूज करेंगे। मतलब अमोनिया वाले पार्ट में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन वाला पार्ट इस नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा, आइदर ये पॉसिबिलिटी या दूसरे वाले कार्बन के नेगेटिव चार्ज को लेके चले जाओ, मतलब दोनों में से जहां भी नेगेटिव चार्ज है वो H+ के साथ कंबाइन करना चाहेगा और H+ के साथ आराम से H+ गेन करेगा प्रोडक्ट वाले पार्ट में। एक तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक तो हम लोगों का NH2 बगल वाले कार्बन पे H का एडिशन हो गया, और दूसरा इस एक कार्बन का फॉर्मेशन यहाँ वाले पार्ट पे H का एडिशन और बगल वाले पार्ट पे NH2। मतलब अगर कार्बन 14 को वापस से मार्क करें तो यहाँ कार्बन 14 था, यहाँ कार्बन 14, या फिर जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसी पे कार्बन 14, तो अपने पास टोटल दो पॉसिबिलिटी निकल के आएगा, कार्बन 14 वाले कार्बन पे NH2 या फिर उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर NH2। ये हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, और इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में ये जो स्पीसीज बना यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल वाला पार्ट सिंपल बेंजीन तो है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए बेंजाइन, क्योंकि इंटरमीडिएट में बहुत ही एक यूनिक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है बेंजाइन टाइप का मॉलिक्यूल, तो इसलिए इस मैकेनिज्म को बेंजाइन मैकेनिज्म ही बोल दिया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस मैकेनिज्म को, इसलिए भी ध्यान रखना है मैकेनिज्म को क्योंकि जब सवाल आएगा तो मैकेनिज्म की वजह से मेजर माइनर प्रोडक्ट वाले पार्ट की हम लोग आराम से बात कर सकते हैं।
नोट डाउन कर लो इस चीज को, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थोड़ा तुम लोग मैकेनिज्म नोट करो, एक छोटा सा काम है उनको। चलो ध्यान दो, जैसे एक तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरह का मैकेनिज्म होगा। दूसरा, हम लोगों को एक पॉइंट ये चीज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म से ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे इस स्टेप में जब हम लोगों का NH2 वाला पार्ट ऐड हुआ बेंजीन के फॉर्मेशन के बाद, तो दो नेगेटिव चार्ज बनने की पॉसिबिलिटी है। जिन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उन दोनों में से किसी एक पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो जब हम लोग मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, अभी दोनों बराबर है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है, बट जब इन जनरल कोई ग्रुप अटैच होगा, जैसे मान लो कि हम लोग के इस टाइप का एक ग्रुप अटैच दे रखा है, मान लो CH3 दे रखा और इसमें रिएक्शन करा रहे हैं, तो इस तरह के केस में जब कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इस ग्रुप का डेफिनेटली इफेक्ट होगा ही होगा। अगर यहाँ पे NH2 लगा तो कुछ अलग टाइप का पॉसिबिलिटी है, और अगर ऊपर NH2 रहा तो कुछ अलग टाइप का पॉसिबिलिटी है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि NH2 वाला पार्ट पारा पोजीशन पे जाना है कि मेटा पोजीशन वाले पार्ट पे जाना है। इस एक चीज का ध्यान रखना। दूसरा एक और चीज, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन हटा, सबसे पहला स्टेप यही था कि हाइड्रोजन वाला पार्ट हटा। अगर मान लो कि इधर लेफ्ट साइड वाले पार्ट में तो हाइड्रोजन होता बट राइट साइड में हाइड्रोजन नहीं होता, कोई ग्रुप होता, यहाँ पे CH3 ग्रुप दे रखे, जैसे हम नीचे ऐसा मेंशन कर देते हैं, ऐसा बेंजीन रिंग होता और यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का हैलोजन है और यहाँ वाले पार्ट पे CH3। तो जब तक हाइड्रोजन नहीं है तब तक हटा भी तो नहीं सकते, तो इसका मतलब इस कार्बन पे इस पर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन इसी दूसरे साइड के हाइड्रोजन से होगा एक चांस। अगर इधर भी कोई ग्रुप दे दिया तो इसका मतलब दोनों में से कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जब तक हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक पहला ही स्टेप नहीं होगा, तब उसके बाद बेंजाइन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तब इस तरह के मॉलिक्यूल्स हम लोगों के बेंजाइन मैकेनिज्म वाले रिएक्शन नहीं दे सकते, तब हम लोग का रिएक्शन यहाँ पे नहीं होना है, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो इस मैकेनिज्म से एसोसिएटेड है, जो ध्यान रखने का अपने को। नोट लिख करके मेंशन करना शुरू करो, क्योंकि सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट होंगे। नोट में पहला पॉइंट, इफ एनी ग्रुप इज प्रेजेंट present at the ortho position of halogen then reaction will not take place at that carbon. Second point, major product will be based on
the stability of an ion formed जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये जो हम लोग स्टेप की बात कर रहे थे, ये पार्ट, जिस पार्ट में मतलब इन दोनों में जहां भी नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग उसके हिसाब से काम करेंगे। अब नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी तुमको तो कंपेयर करने आता ही होगा, सब लोगों का तो जीओसी बहुत अच्छा है मान के चल रहे हम, इसीलिए जहां भी नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे आराम से। थर्ड पॉइंट बेसिकली इस पार्टिकुलर मैकेनिज्म का पॉइंट नहीं है, इसमें हम लोग बेंजाइन मॉलिक्यूल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और ये पॉइंट बस थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। एक तो बेंजाइन मॉलिक्यूल वाले पार्ट में जो हम लोग का तीसरा पाई बॉन्ड है, ये जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है, इस बाहर वाले पाई बॉन्ड में हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बेंजाइन मॉलिक्यूल के अंदर का नोट करना है, तीन पाई बॉन्ड 2p2p ओवरलैप से बनेगा और एक पाई बॉन्ड हम लोग के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा। ये पॉइंट तुम लोगों को लिखवा नहीं रहे, ये तुमको याद होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता एक्सेप्ट बेंजाइन मॉलिक्यूल, तो ये एक्सेप्शन अपने को ध्यान रखने का है। और सेकेंड पॉइंट नोट करना है, कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि तीन पाई बॉन्ड ही हम लोगों के कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट है। थ्री पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कंजुगेशन, जो बाहर वाला पाई बॉन्ड है वो कंजुगेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो हम लोग के कंपाउंड से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको कंजुगेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। इस एक चीज का बहुत पार्टिकुलरली ध्यान रखना है। और नोट करने के बाद फिर कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट पे आ सकते हैं। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द प्रोडक्ट। दो तीन टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, मतलब एक तो जैसा ऊपर हम लोग सवाल डिस्कस किए एग्जैक्टली उस टाइप का, तो उसमें स्टार मार्क कर दिया तो वो क्वेश्चन का पार्ट वैसे ही हो रखा है। मतलब एक एग्जैक्टली सेम सवाल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो क्वेश्चन का फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। उसके अलावा फिर हम लोगों का जैसे एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ सोडियम की जगह लिथियम दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके इसमें NaNH2 ले रखा हो, नीचे वाले पार्ट में हम लोग इन जनरल लिक्विफाइड अमोनिया दे रखा होगा, नहीं तो NH3 दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसके इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क भी नहीं कर रखा, कार्बन 14 मार्क नहीं कर रखा, तो सीधा क्लोरीन हटेगा और यहाँ वाले पार्ट में NH2 का फॉर्मेशन। तो एक चीज ध्यान रखना, एनिलीन के प्रिपरेशन का मेथड कंसिडर कर सकते हैं, पहले बेंजीन का हेलोजिनेशन कराओ और हेलोजिनेशन कराने के बाद हम लोग इस रिएक्शन के थ्रू आराम से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो इस केस में एनिलीन के फॉर्मेशन का एक रिएक्शन है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत अच्छा रिएक्शन तो नहीं है बट फिर भी फॉर्मेशन तो आराम से कर सकते हैं, नोट कर लो।
क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सोच समझ के बनाना. बहुत सिंपल क्वेश्चन देखने में है, बट इतना भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है. ट्राई करके देखो. क्वेश्चन नंबर 1 तो हम सॉल्व करके दिखा दिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ट्राई करके देखो. ढंग से नेगेटिव चार्ज बना करके उसके स्टेबिलिटी कंपेयर करके मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना. पहले वाले केस में यही अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जहां पे Cl है अगर उसको हटाएंगे तो ये मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो इस केस में जहां पे Cl है वहां वहीं पे NH2 ग्रुप लाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा. और फोर्थ वाले केस में अगर प्रोडक्ट बनाना होगा तो जहां पे Cl है वहीं पे NH2 ग्रुप लाएंगे तो अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, ऐसा बोला जा सकता है. हाँ, ये एक सिनेरियो है. अगर मान लो, चलो दो क्वेश्चन और कराते हैं. अगर सवाल पूछेगा तो मैक्सिमम ये दोनों क्वेश्चन और पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 में अगर पारा पोजीशन पे CH3 है तब उस केस में प्रोडक्ट वाला पार्ट अगर कंसिडर करें तो CH3 के रिस्पेक्ट में हम लोगों का NH2 वाला पार्ट मेटा पोजिशन पे आएगा. और क्वेश्चन नंबर 6, बस एक छोटा सा जो ऊपर हम लोग पॉइंट लिखवा रखे हैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर सवाल है. अगर यहाँ पे दोनों तरफ CH3 ग्रुप दे रखा तो इस केस में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो इस केस में रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे हम लोगों का हाइड्रोजन होना मस्ट कंडीशन है. जब तक H+ नहीं हटेगा तब तक बेंजाइन नहीं बनेगा, बात ही नहीं कर सकते. तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होने वाला है. बट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 2 ये कैसे बनेगा उसको ढंग से सोचना. इनफैक्ट मे भी हो सकता है कि 2 वाला पार्ट बन भी जाए, बट 3rd और 4 कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुमसे ये पार्ट बनने लायक नहीं है. और ऑल्दो मेरे हिसाब से सारा ही पार्ट स्टार मार करने लायक है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म है तो सारा चीज ही इंपॉर्टेंट है. किसी को डाउट नहीं आया 3, 4, 5 में या 2 में? सर है सर, डाउट डाउट है, बस एक ही आदमी को डाउट है. वाह भाई, अब एक एक करके लोग पूछेगा. संकेत को भी डाउट है. चलो एक सवाल का हम जवाब जानना चाहेंगे बस. जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन ये है, ये तो हम बताई दिए कि नेगेटिव चार्ज जहां जहां बनेगा उसके हिसाब से बात करना है. तो पहले वाले केस में राइट साइड में CH3 है तो इधर से तो हाइड्रोजन हटेगा नहीं, लेफ्ट साइड से हाइड्रोजन हटेगा तो इसका मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. तो जिन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नेगेटिव चार्ज भी एग्जैक्टली उसी पे आना है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं, पहला चीज. दूसरे वाले केस में, चलो पहले इसी में बात कर लेते हैं.
जैसे फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा होना चाहिए, ये पहला सवाल है। मतलब ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा, और उसमें नॉर्मली एक चीज में सब लोग गलती करेंगे, याद होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से किसी को, जो नेगेटिव चार्ज है। एक सवाल कराया तुम लोगों को जीओसी के स्टेबिलिटी वाले पार्ट में, एक या दो सवाल इस तरह करा रखा है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कोई भी प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, वहां केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा। मतलब अगर हम लोग प्लस एम और माइनस एम की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज बोलते थे हम लोग कि अगर हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट, मतलब बेंजीन से अटैच्ड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो इस ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट इस पे ऑपरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो उससे अटैच्ड कार्बन के ऊपर नहीं है, एग्जैक्टली इसे ग्रुप के ऊपर दे रखा है, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का कोई भी इस ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं करेगा। इस केस में केवल हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं और कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा। तो इस बेंजाइन मैकेनिज्म के केस में जो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बन रहा है। तो अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट नहीं आ रहा, उस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में केवल हम लोग का इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा। कोई भी ग्रुप प्लस एम हो या माइनस एम हो, हमेशा माइनस आई होता है हमेशा। तो अगर हम लोग कार्बन चेन की बात करें तो कार्बन चेन वाला पार्ट प्लस आई है, दूसरा कार्बन चेन भी लो तो प्लस आई है। अगर OCS3 की बात करें तो भले ही प्लस एम इफेक्ट शो करता है लेकिन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और क्योंकि हम लोगों को केवल नेगेटिव चार्ज के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट से मतलब है तो माइनस आई से ही मतलब होगा। थर्ड वाले केस में NO2 दे रखा, तो NO2 भी दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का माइनस आई इफेक्ट ही लेना है। भले ही ये माइनस एम है लेकिन हम लोगों को लेना माइनस आई इफेक्ट है, इस एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में हम लोगों का मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा उस नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट पे। नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन का पार्ट नहीं है तो इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा। खुद से अपने लैंग्वेज में लिखना है तुम लोग को, रीजन नहीं लिखवा रहे, जीओसी में इसका रीजन लिखवा रखे थे हम लोग। तो इस केस में CH3 प्लस आई शो कर रहा तो जो नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है वो यहाँ पे लेस स्टेबल होगा पहले वाले केस में, और दूसरे वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो ज्यादा स्टेबल। तो इस केस में अपने स्टेबिलिटी के फैक्टर में हम लोगों का सेकेंड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो अगर सेकेंड वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव चार्ज सेकेंड वाला पार्ट कैसे बनेगा, जब हम लोग का NH2 ग्रुप बीच वाले कार्बन पर लगेगा और दूसरे वाले केस में NH2 वाला पार्ट बाहर वाले साइड पर लगेगा। मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है यहाँ पे, उस ट्रिपल बॉन्ड में जिस पे NH2 लगता है उसके बगल वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में ये दो पॉसिबिलिटीज है अपने पास। तो अगर NH2 बाहर वाले पार्ट पे ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नीचे वाले केस में हम लोग अगर ट्रिपल बॉन्ड इधर बनाओ या उधर बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे NH2 हो, दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ NH2 हो। तो इन दोनों में हम लोग का माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। अब माइनस आई अगर ऑपरेट कर रहा है तो डिस्टेंस जितना कम होगा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इस केस में हम लोगों का भले ही प्लस एम इफेक्ट है स्टिल हम लोगों का माइनस आई वाला पार्ट ऑपरेट कर रहा है केवल। तो इस केस में यहाँ का नेगेटिव चार्ज कम डिस्टेंस पे है, ज्यादा स्टेबल रहेगा, और ज्यादा स्टेबल है मतलब मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा। और थर्ड वाले केस में तो माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे NH2 लग सकता है या फिर हम लोग के मेटा पोजिशन पे। तो माइनस आई की वजह से सेकंड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल, और अगर ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट आराम से कंसिडर किया जा सकता है। और जबकि लास्ट वाले केस में अगर जाएंगे, मतलब ये फिफ्थ नंबर वाले केस में, तो फिफ्थ नंबर वाले केस में CH3 का फिर से प्लस आई इफेक्ट आएगा। और जब CH3 वाले पार्ट का प्लस आई इफेक्ट आएगा तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर नेगेटिव चार्ज यहाँ हो और NH2 वाला पार्ट ऊपर, या फिर नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट पारा पोजिशन पे और हम लोग का NH2 वाला पार्ट मेटा पोजिशन पे। तो इन दोनों में अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन भी ऑपरेट नहीं कर रहा क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर वैसे भी हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट नहीं करता, और यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का रेजोनेंस में या कंजुगेशन सिस्टम में नेगेटिव चार्ज है नहीं तो और भी मतलब नहीं है। तो इस केस में प्लस आई यहाँ के नेगेटिव चार्ज को लेस स्टेबल बनाएगा, तो इस बार भी दूसरा वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है। तो अगर दूसरा ज्यादा स्टेबल है मतलब हम लोगों का मेटा वाला पार्ट ज्यादा मेजर प्रोडक्ट निकल के आने वाला है, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट निकल के आने वाला है, थोड़ा ध्यान रखने का है। अगर इस मैकेनिज्म से सवाल पूछना है तो ये पांच छह सिनेरियो, एक स्टार मार्क वाला कार्बन 14 के हिसाब से बात करो, दूसरा दोनों तरफ ग्रुप दे दिया तो प्रोडक्ट की बात करो, एक तरफ ग्रुप दिया तो प्रोडक्ट की बात करो, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम,
ऐसे कॉम्बिनेशंस दिया, बट रहेगा माइनस आई प्लस आई इफेक्ट ही केवल इन कॉम्बिनेशंस के सब हिसाब से सवाल की बात करो। बहुत भारी सवाल होगा तो उस केस में ये सवाल रहेगा थर्ड नंबर, बहुत नॉर्मल सवाल रहेगा तो सबसे पहला सवाल रहेगा। पहला सवाल मेरे हिसाब से तो एडवांस वाले पूछेंगे नहीं, इतना घटिया सवाल क्यों पूछेंगे एडवांस वाले, मेंस वाले पूछ सकते हैं, नीट वाले नॉर्मली पूछा करते हैं। तो इसके इसमें पहला सवाल बहुत काम का नहीं है। सेकंड सवाल ठीक है, जो ग्रुप है दोनों साइड ये सवाल डिसेंट है, अगर स्टार मार्क है तो क्या होगा ये सवाल डिसेंट है, और OCS3 वाला पार्ट ये सब सवाल बहुत यूनिक सवाल है इसलिए काफी इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने का। मतलब नॉर्मली जब हम रिवीजन के टाइम की बात करेंगे तो ऐसा हमेशा सजेशन दिया करते हैं कि बेंजामिन मैकेनिज्म तुम लोगों को रिवीजन के टाइम पे रीड करना चाहिए, क्योंकि और कहीं आता ही नहीं है सवाल। तो अगर हम भी 2 साल ना पढ़े तो हम ये शायद टॉपिक भूल जाएंगे, इस तरह का टॉपिक है, बहुत ही स्पेसिफिक, तो इसलिए इसको रिवीजन के टाइम पे मस्ट याद रखने के लिए पढ़ना जरूरी होगा। और बेंजामिन मैकेनिज्म वाले पार्ट को डिस्कस करने के बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल देना अपने कॉपी में, फिनॉल। एक तुम लोगों को हम लिस्ट भेजेंगे बेंजीन का, मतलब ऐसे हम टॉपिक में बेंजीन करके पहले एक टॉपिक, बेंजीन वाले पार्ट के बाद अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन और फिर फिनॉल का प्रिपरेशन, एनिलीन का प्रिपरेशन, बट क्योंकि इसका प्रिपरेशन है तो केवल कुछ रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को हम मेंशन कर रहे हैं। तो हम इस बार सोचे हैं तुम लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर देंगे हम, अदरवाइज हम नहीं करते ऐसा, जितने भी चैप्टर्स के रिएक्शंस है जहां जहां पे प्रिपरेशंस वाले पार्ट आते हैं, ताकि तुम लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर तुमको रिएजेंट देखना पड़े तो तुमको पता चल जाए कि बोर्ड के लिए कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिस्ट ऑफ रिएजेंट फॉर प्रिपरेशंस है वो सारे का लिस्ट बना करके तुम लोग को हम दे देंगे, तो उसके लिए तुमको बार बार वो लिस्ट देखना पड़ेगा। तुमको नोट्स कॉपी जब भी पढ़ना हो तो केवल एडवांस लेवल के लिए या मेंस लेवल के लिए पढ़ना होगा, मेंस एडवांस में सब कुछ कॉमन रहेगा, और NCERT के हिसाब से अगर चीजें केवल पढ़ाई करने के लिए बोर्ड के लिए तो तुम लोग को हम लिस्ट हर एक टॉपिक का बना बना के दे देंगे, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन तुमको आराम से वहां मिल जाएगा। बट फिर भी जैसे फिनॉल में क्या है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, तो इसलिए फिनॉल के प्रिपरेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं, एनिलीन के प्रिपरेशन को डिस्कस किया करते हैं, तो इसके रिएक्शंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके प्रिपरेशन के मेथड वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग फिनॉल का डिस्कशन करेंगे, बेंजीन का सारा रिएक्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं एक दो इनऑर्गेनिक टाइप के रिएक्शंस को छोड़ के, फिर एनिलीन का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग का ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस केस में हेडिंग डाल देना फिनॉल और इसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग का प्रिपरेशन। एक सवाल स्नेहा ग्रुप में पूछी थी आज, तो उस सवाल में एक छोटा सा पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन से रिलेटेड, सॉरी रिएक्शन ऑफ एनिलीन से रिलेटेड, और उसमें जब हम लोग एनिलीन के ऊपर नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन में एक पॉइंट हम लिखवाए थे कि अगर कोई प्लस एम ग्रुप होता है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है, बट उसके अलावा अगर हम लोग एनिलीन होता है तो मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, उस एक चीज का हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है। चलो खैर प्रिपरेशन वाले पार्ट पे आते हैं। अगर हम लोगों को फिनॉल का प्रिपरेशन कराना है तो फिनॉल के प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोगों का कुछ मेथड है जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक तो हम लोगों का डॉल्स प्रोसेस होता है और ये रिएक्शन वाला पार्ट अराइल हैलाइड का रिएक्शन है बेसिकली, बट ठीक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल तो हम लोग यहाँ पे भी मेंशन कर ले रहे हैं, नोट कर लो इस चीज को। अगर हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में ये क्या बोलते हैं अराइल हैलाइड वाला पार्ट, स्पेशली अगर मान लो कि हम लोग का अराइल क्लोराइड वाला पार्ट दे रखा है, क्योंकि NCERT में अराइल क्लोराइड दे रखा है और उसका एक कंडीशनल पार्ट दे रखा है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग उसी कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्लोरीन वाले पार्ट की जगह पे अगर ब्रोमीन वाले पार्ट को डाल देंगे तो उस केस में फिर हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा चेंज हो जाना है, तो इसलिए हम लोग क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन को नहीं डाल रहे, जो NCERT में दे रखा है हम लोग एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अगर हम लोग का जो मान लो अराइल क्लोराइड वाला पार्ट दे रखा या इन जनरल अराइल हैलाइड वाला पार्ट दे रखा, तो कभी भी रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का इन जनरल SN2 रिएक्शन वाला पार्ट नहीं होता है। बट अभी एक चीज मालूम पड़ गया कि हम लोगों का एटलीस्ट एक नया टाइप का रिएक्शन तो पॉसिबल है, जो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में एटलीस्ट एक और टाइप का रिएक्शन कैरी आउट कराते हुए काम कर रहे हैं, तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी एक और चीज मालूम पड़ेगा कि हम लोग का अगर अराइल हैलाइड दे रखा तो एक और सर्टेन टाइप का रिएक्शन पॉसिबल है NaOH के साथ, बट NaOH के साथ रिएक्शन तब पॉसिबल होगा जब हम लोग का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है, प्रेशर इनफैक्ट बहुत हाई होना चाहिए, टेम्परेचर तो फिर भी चलो ठीक है डिसेंट है, बट प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए। हम लोग का प्रेशर वाला पार्ट नियर अबाउट 300 ATM होता है और टेम्परेचर वाला पार्ट 350 डिग्री सेल्सियस,
अगर इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जाते हैं तब उस केस में हम लोग का क्लोरीन वाला पार्ट को OH आराम से रिप्लेस कर देता है। तो एक्चुअली में जैसे NCERT में शायद ऐसा भी नहीं दे रखा कि OH आएगा यहाँ पे, NCERT में इस टाइप का दे रखा है पार्ट, यहाँ से ONA का फॉर्मेशन होगा। बट एक चीज सोच के देखो कि अगर हम लोग का क्लोरीन के जगह पे OH वाले पार्ट का एडिशन हुआ तो इस केस में OH वाला पार्ट स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, फिनॉल वाले पार्ट का pH 6.7 के नियर अबाउट होता है। चाहे तो ये फैक्ट हम लोग ऊपर हेडिंग में लिख सकते हैं यहाँ पे, फिनॉल वाले पार्ट में स्लाइटली एसिडिक कंपाउंड। और ये चीज खैर तुम लोगों को खुद भी समझ में आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस पर आएगा, स्लाइटली एसिडिक और pH वाला पार्ट नियर अबाउट 6.7, स्लाइटली एसिडिक pH 6.7 बहुत ही कम है, खैर pH वाला पार्ट 6.7 कह रहा हूं। तो इस केस में अगर OH बनता भी है तो NaOH वाला पार्ट का OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके उसको आराम से यहाँ से हटा देगा, मतलब O माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो O माइनस वाला पार्ट तो Na प्लस के साथ रहेगा, तो NCERT में ये चीज रखा है कि ONA का फॉर्मेशन होगा। बट अब मान के चल रहे हैं कि हम लोग फिर लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे OH का फॉर्मेशन। इन जनरल अगर एसिडिफिकेशन नहीं भी देता है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये रिएक्शन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। नाम थोड़ा ध्यान रखना, डॉल्स प्रोसेस बोलते हैं शीश को, बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम आज तक इसके ऊपर सवाल पूछते नहीं देखे हैं। तो बोर्ड के लिए सीधा ही पूछेगा व्हाट इज डॉल्स प्रोसेस, बताओ, तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और कोई मैकेनिज्म इसका मेंशन तो नहीं किया है लेकिन ये भी बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो लिख सकते हैं बेंजाइन, या सॉरी फॉलोज बेंजाइन मैकेनिज्म। Although NCERT में दे नहीं रखा पॉइंट बट कंसिडर कर सकते हैं, follows benzene mechanism, note color reaction। और इसमें ये पार्ट जरूर ध्यान रखना, बिना प्रेशर और टेम्परेचर के हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करा सकते, इतना हाई प्रेशर टेम्परेचर देना मस्ट है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि SN2 रिएक्शन तो हो नहीं सकता। डॉल्स प्रोसेस के बाद तुम लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक छोटा सा रिएक्शन बताया था और उस टाइम पे स्टार मार्क भी कराया था यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोला था कि नॉर्मली ये रिएक्शन अपने उतने काम का तो नहीं है, RMGX का रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं पहले स्टेप में और सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करा दे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में अल्कोहल बनता है। उस टाइम पे भी मेंशन कराया था कि फिनॉल के प्रिपरेशन में काम में आएगा। अल्कोहल का फॉर्मेशन अगर कराना है तो हम लोग क्यों मेहनत करेंगे, पहले अल्काइल हैलाइड बनाएंगे फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे फिर O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अल्काइल हैलाइड बना करके सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये हम लोगों के अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन के लिए काम का नहीं है, बट अगर इसी में कार्बन चेन में pH वाला पार्ट होता तो आराम से यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये रिएक्शन का ध्यान रखना है, रिएक्शन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं तो कोई यहाँ पे फर्दर डिस्कशन नहीं कर रहा है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीसरा वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखने का है, अगर हम लोग सल्फोनिक एसिड लेके चले तो उसके साथ भी रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम लोग का सल्फोनिक एसिड होगा इसका रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ कराएंगे तो पहले स्टेप में तो हम लोग को SO3Na का फॉर्मेशन मिलेगा क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सल्फोनेट सॉल्ट का तो फॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग काफी हाई हीटिंग रखते हैं, नॉर्मली वहां पे वर्ड फ्यूजन टेम्परेचर बोला जाता है, फ्यूजन मतलब जहाँ पे मेल्टिंग वाला पार्ट होना शुरू हो जाए। अगर फ्यूजन टेम्परेचर में चले जाएंगे तब उस केस में हम लोग का आराम से SO3H वाले पार्ट को हट करके O- का फॉर्मेशन होगा, वहां से Na+ का फॉर्मेशन और फिर एसिडिफिकेशन करा दो लास्ट स्टेप में तो OH का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। सल्फोनिक एसिड से हम लोग आराम से तो खैर नहीं है, फ्यूजन टेम्परेचर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है, सल्फोनिक एसिड के थ्रू हम लोग आराम से फिनॉल का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसे एक तरीके का ध्यान रखना है। और एक तरीका तो डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट यूज कर ही सकते हैं, ये तो हम पहले ही बोल चुके हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डाइजोनियम सॉल्ट तो एनी टाइम हम लोग का जिंदाबाद रहेगा। N2+ वाले पार्ट का रिएक्शन अगर हम लोग NaOH के साथ कराएं या फिर
H2O के साथ कराएं, बट H2O के साथ हम लोग बॉइलिंग करते हैं तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग के फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और ये चारों मेथड बहुत वाहियात मेथड है, इनके ऊपर कभी सवाल पूछा गया भी नहीं है, इसके ऊपर सवाल पूछा गया, सीक्वेंशियल रिएक्शन में इसको डाल दिया गया है। डाइजोनियम सॉल्ट बहुत जनरलाइज पार्ट है, मेरे हिसाब से बहुत काम का नहीं हो जाएगा, वो जनरलाइज याद ही रहेगा हमेशा, नहीं भी याद रहेगा तो भी ऑन द स्पॉट देख के भी याद आ जाएगा कि अच्छा ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट एक ही रिएक्शन फॉलो करता है। लेकिन एक रिएक्शन है जो अपने को ध्यान रखना होता है और इसका मैकेनिज्म भी ध्यान रखना होता है। 2016 में एक बार जेई एडवांस में मैकेनिज्म ओरिएंटेड सवाल पूछा गया है और मैकेनिज्म में चीजें थोड़ी चेंज कर दी गई है, मैकेनिज्म में इसका केवल एक पार्ट यूज किया गया, केवल एक पार्ट, तो लोग उसी में कंफ्यूज हो गए थे कि इसमें करना क्या है। जो हम लोग का क्यूमीन मॉलिक्यूल होता है उसके थ्रू हम लोग आराम से फिनॉल का प्रिपरेशन करा सकते हैं, ऑल्दो फिनॉल के प्रिपरेशन से रिलेटेड ये पार्ट नहीं है, इसको हम लोग एक मिनट, पहले स्टेप में O2 के साथ रिएक्शन, दूसरे स्टेप में हम लोग H3O+ के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक तो हम लोगों का फिनॉल का फॉर्मेशन होता है और फिनॉल के साथ साथ एसीटोन का भी फॉर्मेशन होता है, तो केवल फिनॉल के फॉर्मेशन का मेथड नहीं है, एसीटोन के फॉर्मेशन का मेथड है, बट क्योंकि एसीटोन बहुत ही जनरलाइज टाइप का रिएजेंट है, आसानी से बन सकता है, फिनॉल आसानी से नहीं बन सकता बट एसीटोन सकता है, तो एसीटोन वाले पार्ट के लिए हम लोग ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं करते, फिनॉल के लिए हाईलाइट करते हैं, ये मेथड थोड़ा ध्यान रखने का है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सनलाइट भी डाल देना O2 के साथ HNO। एक चीज बहुत दिन पहले बोला था तुम लोगों को, एक छोटा सा तरीका बताया था, केवल सनलाइट दे, कभी भी अल्ट्रावायलेट लाइट दे या फिर HNO दे, मेटल दे या परोक्साइड दे, इन सारे केसेस में हम लोग इन जनरल रेडिकल का फॉर्मेशन करा के काम करेंगे। तो यहाँ HNO दे रखा है, तो HNO देने का मतलब है हम लोग रेडिकल का फॉर्मेशन तो कराएंगे। पहले स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में से केवल एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड ब्रेक होकर के होमोलिटिक फिजन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जैसा हम लोग का X2 का रिएक्शन हुआ था, हम लोग ऐसा हेलोजिनेशन में HBr के एडिशन में कर रहे थे, तो सिमिलर टाइप से यहाँ पे हम लोग का एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद हम लोग का ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो रेडिकल का फॉर्मेशन भी यहीं से हो गया। और इसके बाद वाले स्टेप को अगर कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो उससे तुम लोगों को हेलोजिनेशन का एक रफ आइडिया मिल जाएगा, ऑल्दो हम लोग इस तरह का डिस्कशन कर चुके हैं बट फिर भी हेलोजिनेशन का अच्छा आइडिया मिल जाएगा। जो हम लोगों का ऑक्सीजन का रेडिकल है, ऑक्सीजन का रेडिकल वाला पार्ट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो इस केस में हम लोग का जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना चाह रहा है, तो एक का बॉन्ड बनेगा तो दूसरा का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपने स्टेप में आराम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर जो क्यूमीन वाला पार्ट है उसमें कार्बन का रेडिकल रह जाएगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हम लोग हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दिए और दूसरा ऑक्सीजन खाली बैठा हुआ है, तो एक रेडिकल यहाँ है, एक रेडिकल यहाँ है, दो रेडिकल है, दोनों रिएक्टिव नेचर का होगा, आराम से आपस में कंबाइन करेगा, जब आपस में कंबाइन करेगा तो हम लोगों के बेंजीन वाले पार्ट के ऊपर जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एच का फॉर्मेशन होगा। और एक स्टेप थोड़ा तुम लोगों को अभी जाना पहचाना दिखाई देगा, ऐसा परोक्साइड में हम शिफ्टिंग वाला पार्ट तुम लोग कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किए थे कि परोक्साइड बॉन्ड ब्रेक होकर के ऐसा शिफ्ट हो जाता है, बेंजीन वाले पार्ट में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में डिस्कस किए थे कि हम लोग का इस टाइप का कुछ ग्रुप निकल के आता है, वहां से हम लोग आराम से परोक्साइड वाले पार्ट के बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन चेन वाले पार्ट को उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि परोक्साइड बॉन्ड काफी वीक नेचर का होता है तो आराम से ब्रेक करने की टेंडेंसी में होता है। बट यहाँ पे केवल इतने से काम नहीं होता, क्योंकि बोरोन वाले पार्ट में वहां पे बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रखा है, नेगेटिव चार्ज कभी भी स्टेबल बहुत नहीं रहता है, तो बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन को हटाने की टेंडेंसी में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हटाने की टेंडेंसी में है तो वहां तो रिएक्शन चलो हो गया, बट यहाँ तो कार्बन के ऊपर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, तो इस केस में जो हम लोग एसिडिक मीडियम वाला पार्ट दे रखा H+ सेकेंड स्टेप में, वो चीज अपना रोल प्ले करेगा
ऑक्सीजन वाला पार्ट H प्लस के साथ कंबाइन करके आराम से हम लोगों के इस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कराएगा OH2 प्लस वाला पार्ट, और पहले ही हम लोगों का जो परोक्साइड बॉन्ड है वो वीक नेचर का था, अभी परोक्साइड बॉन्ड में OH माइनस के जगह पे H2O वाला पार्ट है लिविंग ग्रुप, मतलब पहले यहाँ से अगर ये ग्रुप हटता तो OH माइनस हटता और अभी यहाँ वाले पार्ट पे H2O लिविंग ग्रुप है, H2O लिविंग ग्रुप भी अच्छा हो गया। तो इस केस में फिर से हम लोगों का रीअरेंजमेंट का पार्ट होगा, और इस रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को अगर हम कंसिडर करना शुरू करें तो इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन वाले पार्ट में जो हम लोगों का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, अगर थोड़ा बहुत याद है तुम लोगों को, याद होना चाहिए, हम लोग रिसेंटली डिस्कस किए थे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में हम लोगों का एच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, फिर बेंजीन का, फिर कार्बन चेन का, लास्ट ही क्लास में डिस्कस किए थे अरेमान जब सवाल पूछा था। तो इस केस में एच तो इस कार्बन पे है नहीं, इसको ऐसा समझ लो कि कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है बेसिकली, यहाँ वाले पार्ट में कार्बोकटायन है, इस ग्रुप को या इस ग्रुप को शिफ्ट करना है। तो इस केस में इन तीनों में से कोई भी ग्रुप को अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो इस केस में हम लोग का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच का सबसे ज्यादा होगा, अगर पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है तो इन तीनों ग्रुप में ये बेंजीन वाला ग्रुप इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से H2O वाला पार्ट आराम से आगे के डायरेक्शन में निकल के हट जाएगा। ये चीज इसीलिए शिफ्ट हो पा रहा है क्योंकि परोक्साइड बॉन्ड काफी वीक नेचर का है जो ऑलरेडी ब्रेक होने की टेंडेंसी में है, बस उसको हटाना है और यहाँ से बेंजीन रिंग वाला पार्ट बगल में शिफ्ट हो रहा है। तो इस केस में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के होते हुए बेंजीन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, परोक्साइड बॉन्ड ब्रेक करके हटा, तो अपने स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर बेंजीन रिंग चला गया और कार्बन वाले पार्ट से बेंजीन रिंग का बॉन्ड ब्रेक करके हट गया, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होना है। तो इस केस में एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, अब उसके बाद जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। हम लोग यहाँ पे H2O का एडिशन करा सकते हैं और यहाँ से फिर H प्लस हटा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों के कार्बन वाले पार्ट पे OH का एडिशन होगा और O के साथ PH वाले पार्ट का एडिशन। तो इस केस में अब एक चीज सोच के देखो, थोड़ा बहुत याद अगर हो तो, एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप और उसी के ऊपर OR ग्रुप। जब एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप और OR ग्रुप दोनों होता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग हेमी एसिटल बोलते हैं, और हेमी एसिटल वाले पार्ट का हम लोग आराम से हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं क्योंकि हम लोग का एसिडिक मीडियम दे रखा है, H3 प्लस ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैरी आउट करेंगे हेमी एसिटल वाले पार्ट का, और उस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करें तो बस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके OH ग्रुप का एडिशन होगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट वाले पार्ट में पीएच के साथ OH मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन होना है, और उसके अलावा एक कार्बन के ऊपर हम लोगों को, मतलब जो कार्बन है उसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप है, इसके ऊपर दो OH ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, यहाँ से H2 वाले पार्ट को हटा करके हम लोग आराम से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोलिसिस का स्टेप है ये चीज हम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ रहे हैं, इस चीज को हम मेंशन नहीं कर रहे, बट हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट कैरी आउट होगा, ये हम लोग का पूरा कंप्लीट स्टेप है जो ध्यान रखना है। रीअरेंजमेंट में क्योंकि क्यूमीन से ही हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे बेंजीन वाला पार्ट ही शिफ्टिंग में जाएगा। जो सवाल आया था जी एडवांस में उसमें बस इतना पार्ट मेंशन किया था कि हम लोगों के पहले स्टेप में इस तरह का कुछ रीअरेंजमेंट वाला पार्ट हो रहा है, मतलब इतना स्टेप हो रहा है, इतने स्टेप के बाद कुछ रीअरेंजमेंट के टाइम पे रिएजेंट ही चेंज कर दिया था। तो ध्यान रखना अगर कभी भी O2 के साथ H2 दिया तो इसका मतलब रेडिकल वाला पार्ट होगा, इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म कंसिडर कर सकते हैं। ये एक मेथड है जो बहुत ही यूनिक टाइप का मेथड है, अब तक कहीं नहीं देखते हम लोग, तो इसीलिए इस एक मेथड को प्रिपरेशन के मेथड में ध्यान रखना होता है। छाप लो, और किसी को कोई डाउट होगा कहीं पे तो पूछ सकता है, डाउट तो होगा नहीं, वैसे हम मान के नहीं चल रहे, समझ ही नहीं आ रहा हो किसी को मेथड, बट फिर भी हर एक स्टेप्स को लिखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
और एक चीज ध्यान रखना, आगे जो भी मैकेनिज्म आएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ऐसे नहीं को छोड़ के, नेम्ड रिएक्शन में सब ऐसा लंबा लंबा ही मैकेनिज्म रहेगा, नॉर्मली वो छोटा मैकेनिज्म नहीं रहेगा, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन बेसिकली कोई मैकेनिज्म नहीं है, नेम्ड रिएक्शन छोटे छोटे मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है, उसमें सारे टाइप के मैकेनिज्म एडअप होते चले जाएंगे। तो इसलिए अब इसके बाद जो भी मैकेनिज्म आएगा सब बड़े बड़े मैकेनिज्म रहेंगे, कोई स्टेप नया नहीं रहेगा, बस है कि हर एक स्टेप का कॉम्बिनेशन चलेगा। यहाँ पे भी एक्चुअल में कोई नया स्टेप नहीं है, एक फ्लूइड रेडिकल मैकेनिज्म है और एक हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर हाइड्रोलिसिस लिखते हैं तो उसमें दो स्टेप और ऐड हो जाता। रीअरेंजमेंट भी हम लोग देख ही चुके हैं परऑक्साइड में, तो कुछ नया नहीं रह जाएगा इसमें। अगर नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग आराम से रिएक्शन वाले पार्ट में मूव कर सकते हैं। हेडिंग डाल देना इसके बाद रिएक्शन ऑफ फिनॉल। रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन वाले पार्ट में कुछ कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जो अपने को याद करना ही करना होता है। जैसे हम लोग जो हैलोजिनेशन करा रहे थे, पहले तो वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर हम लोग फिनॉल वाले पार्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हैलोजिनेशन था, फिर नाइट्रेशन था, फिर सल्फोनेशन था, फिर लुकाफ रिएक्शन था, एक एक करके उन्हीं सारे पार्ट को देखते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले पार्ट में जो हम लोग का हैलोजिनेशन वाला पार्ट था, उस हैलोजिनेशन वाले पार्ट में हम लोगों का जो जो रिएक्शन लिखेंगे वो सब रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखने का है। अगर हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो इस केस में थोड़ा ध्यान रखना, और ये रिएजेंट ध्यान रखना, मतलब CH2 वाला पार्ट बेसिकली CO2 के जैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उस नॉन पोलर सॉल्वेंट वाले पार्ट में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में Br2 के साथ कोई AlCl3, FeCl3, FeBr3 की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी रिएक्शन हो जा रहा है, क्योंकि OH वाला पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप में से एक है। तो इस केस में OH वाला पार्ट इतना ज्यादा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है कि हम लोग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है वो आराम से कंसिडर किया जा सकता है।
मतलब हम लोग जब रिएक्शन वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग का जो हैलोजन वाला पार्ट है वो आराम से रिएक्शन कैरी आउट कर सकता है, हम लोग उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट आगे कंसिडर किया जाएगा तो उन रिएक्शन वाले पार्ट में रिएजेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना, चाहे वो फिनॉल वाला केस निकल के आए या फिर हम लोग का जो ये था सॉरी एनिलीन वाला पार्ट, ये दोनों में से कोई भी अगर हम लोग रिएक्शंस लेकर के चल रहे हैं तो दोनों ही रिएक्शंस वाले पार्ट में हम लोगों का रिएजेंट बहुत ही पार्टिकुलरली ध्यान रखना होगा। और रिएजेंट जैसे ही चेंज होगा हम लोग का प्रोडक्ट वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग फिनॉल का रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 तो ऑर्थोब्रोमीन और पाराब्रोमीन दोनों बन सकता है और मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट पारा निकल के आएगा, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। और इसी में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले हम लोग मेंशन कर चुके हैं इस चीज को, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर तुम लोग को याद हो तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाले पार्ट में मेंशन किया था कि बेंजीन वाला पार्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है एक्सेप्ट फिनॉल एंड एनिलीन। इस केस में हम लोगों को ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, अगर हम लोग CH2 के जगह पे H2O लेके चल रहे तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को आराम से OH के रिस्पेक्ट में ट्राई डोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिल जाता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। इससे रिलेटेड ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि हम लोग का ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है फिनॉल, पहला चीज। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। ऊपर वाले केस में तो सिंगल सिंगल ब्रोमीन लग रहा था, पर नीचे वाले केस में 3 ब्रोमीन कैसा लग गया, ये दोनों पार्ट अपने को ध्यान रखना है। तो नोट करो हैलोजिनेशन। फिनॉल वाला पार्ट पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, बेंजीन नहीं देता। और यहाँ पे चाहे तो साथ ही साथ लिख लो, वापस से रिपीट करेंगे, फिनॉल एंड एनिलीन, क्योंकि दोनों का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो रिएक्शन काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर का निकल के आता है, फिर रिएक्टेंट काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर का निकल के आता है। पहले पॉइंट के बाद फिनॉल कैन गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सेकेंड पॉइंट ये हम लोगों को कंसिडर करना है कि ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन क्यों हो गया। तो इसके लिए रीजन सिंपली ये हम लोग मानते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O डिसोसिएशन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, PHO- का फॉर्मेशन हो जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। और अगर OH ग्रुप और O- में प्लस एम इफेक्ट को कंसिडर करें तो O- का प्लस एम बहुत हाई रहेगा, वेयर प्लस एम ऑफ O- इज वेरी हाई विच इंक्रीजेस the electron density of benzene ring. Benzene ring का electron density बहुत ज्यादा increase कर जाता है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे, मान के क्या चल रहा होता ही है। और electron density अगर बहुत high हो गया तो फिर आराम से हम लोग का H2 वाला जो part है, sorry जो benzene ring वाला part है, वो 3 reaction कर सकता है, मतलब एक reaction के जगह पे 3 reactions के लायक reactivity निकल के आ जाता है। तो ये एक रीजन थोड़ा ध्यान रखना। ये हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में पूछा जाए, हो सकता है किसी के हाफ ईयरली में पूछा भी क्या होगा कि H2 वाले पार्ट में, या फिर अगर हम लोग फिनॉल वाले पार्ट का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन क्यों होता है। ऑल्दो एनिलीन में इस तरीके से NH- नहीं बनता, बट NH2 का प्लस एम इतना ज्यादा है कि वहां पे अपने आप से ही रिएक्शन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत भी नहीं होती वहां पे। तो ये एक रिएक्शन ध्यान रखना, हैलोजिनेशन वाला पार्ट।
हैलोजिनेशन वाले पार्ट के बाद हम लोग का दूसरा रिएक्शन वाला पार्ट हम लोग नाइट्रेशन कंसिडर कर सकते हैं, नोट कर लो. अगर हम लोग नाइट्रेशन वाला रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो नाइट्रेशन वाले रिएक्शन वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग एक पॉइंट तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी बेंजीन रिंग वाले पार्ट में कोई भी प्लस एम ग्रुप वाला पार्ट अटैच्ड है तो प्लस एम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो हम लोग उस एक चीज का तो थोड़ा ध्यान रखते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा. तो पहला चीज ये मेंशन कर लेना, अगर हम लोग का यहाँ पे OH ग्रुप है और इसका रिएक्शन हम लोग कॉन्ग HNO3 के साथ करा रहे हैं, इस केस में हम लोग के प्रोडक्ट वाले पार्ट में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट था पारा बेंजोक्विनोन, ये पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा. एक तो ये चीज ध्यान रखना है सबसे पहला चीज. और अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 लेके चलते हैं तो डाइल्यूट HNO3 वाले पार्ट में हम लोगों को ये भी कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलता है. और इसका कॉमन नेम याद रखना ही रखना है तुम लोगों को, इस चीज को हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं. तो रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों को अगर कॉन्ग HNO3 लेते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, अगर डाइल्यूट लेके चलते हैं तो उस केस में हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेगा. बट बहुत अच्छा इसका मतलब परसेंटेज नहीं होता, मतलब बहुत अच्छा हम लोग यहाँ वाले पार्ट में रिएक्शन कंसिडर नहीं करते हुए काम कर रहे हैं. अगर इसका बहुत हाई यील्ड चाहिए, नॉर्मली एक पॉइंट है जो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नोट करते जाओ रिएक्शन पहले. ये चीज ध्यान रखना, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड मतलब बाकी पार्ट का फॉर्मेशन होगा अगर हम लोग डाइल्यूट वाला पार्ट लेकर के चल रहे हैं तो यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड सल्फोनेशन फॉलोड बाय नाइट्रेशन इज डन, ब्रैकेट में लिख लेना इप्सो सब्स्टिट्यूशन. ये वर्ड हम पहले मेंशन किए थे कहीं पे कि अगर हम लोग का एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है तो उस चीज को हम लोग इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. और उसके पीछे लॉजिक बस ये है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस केस में ऑर्थो प्लस पारा प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब एक तो ट्राई नाइट्रो वाला पार्ट बनेगा, ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मतलब परसेंटेज डेफिनेटली कम होगा. अगर हम लोग को ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम कराना है तो इस सिनेरियो में हम लोग पहले OH वाले पार्ट का रिएक्शन सल्फोनेटिंग एजेंट के साथ कराएंगे. जैसे ही सल्फोनेशन कराएंगे तो सल्फोनेशन वाला पार्ट भी हम लोगों के तीनों पोजिशन पे निकल के आना चाहिए, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. और अगर हम लोग के तीनों पोजिशन पे सल्फोनेशन हो गया तो इसके बाद जब हम लोग नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इप्सो सब्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे, इप्सो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक SO3H को NO2+ रिप्लेस करेगा. तो एक SO3H को एक NO2+ रिप्लेस किया, दूसरे SO3H वाले पार्ट को दूसरा NO2 वाला पार्ट रिप्लेस किया, तीनों रिप्लेसमेंट होगा क्योंकि SO3H बहुत अच्छा ग्रुप नहीं है जो कि यहाँ पे रहना चाहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. तो सल्फोनेशन डिसल्फोनेशन का प्रोसेस आराम से होता रहेगा, आराम से एक SO3H के जगह पे एक NO2, एक बार NO2 लग गया तो वो नहीं हट सकता. तो इस केस में SO3S तो हटेगा, NO2 नहीं हट सकता, इसका मतलब हम लोग आराम से तीन NO2 वाले ग्रुप का फॉर्मेशन कंसिडर करा सकते हैं.
इप्सो सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा एग्जांपल हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, एक दो यही सब एग्जांपल्स हैं जिसको थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, इस एक थ्योरेटिकल पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर हम लोग को पिक्रिक एसिड का अमाउंट ज्यादा चाहिए तो इस केस में नहीं छोड़ दीजिए, पिक्रिक एसिड का अमाउंट अगर ज्यादा चाहिए तो हम लोग इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। नाइट्रेशन वाला पार्ट खत्म होने के बाद सल्फोनेशन का नंबर है अपना, और सल्फोनेशन वाले पार्ट में रिएक्शन याद रखना पड़ेगा थोड़ा। अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में हम लोगों का सल्फोनेटिंग एजेंट वाला पार्ट ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनेशन कराएगा, और अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों का सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट पारा पोजीशन पे ऐड होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी है, आइदर सल्फोनेशन वाला पार्ट हम लोग के ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पारा पोजीशन वाले पार्ट पे, लेकिन कुछ भी कंसिडरेशन लेकर के चलो उससे मतलब नहीं है, यह है कि ये टेम्परेचर थोड़ा ध्यान रखने का है। 25 डिग्री सेल्सियस तो ऑर्थो पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड का एडिशन, और 100 डिग्री सेल्सियस पे पारा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऑल्दो हम लोग डायरेक्टिंग इफेक्ट वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल OH ग्रुप और NH2 ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लस एम होने की वजह से कुछ कुछ और भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा रहा है, तो इसीलिए इन सब ग्रुप्स के फॉर्मेशन के, इन सब ग्रुप्स के रिएक्शन को थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग का फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन वाला पार्ट है, इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, सबको ध्यान रखना होगा। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अल्साइलेशन वाले पार्ट की बात कर लेंगे। अल्काइलेशन हो या साइलेशन हो, दोनों में एक पॉइंट खैर कॉमन है, पहले उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। फिनॉल और ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंड एनिलीन डजंट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिनॉल और एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि जो हम लोगों का पीएच के ऊपर OH ग्रुप है या फिर जो NH2 ग्रुप है, ये पार्ट के ऊपर लोन पेयर है, मतलब बेस है, और AlCl3 जो हम लोग लेकर के चलते थे वो पार्ट लेविस एसिड है। और तो इस केस में जो OH और NH2 ग्रुप है वो AlCl3 के साथ कंबाइन करके आराम से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, तो इस केस में लिख सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ब्रैकेट में नाइट्रोजन। और एक चीज शायद ध्यान होगा तुम लोगों को, माइनस आई के ऑर्डर में जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो अगर हम लोगों का रिएक्शन वाला पार्ट AlCl3 का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो गया, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है तो एसिड बेस रिएक्शन तो पॉसिबल है, एक बार ये रिएक्शन हो गया पीएच के साथ OH वाला पार्ट दे रखा, इसका रिएक्शन हम लोग AlCl3 के साथ करा करके आराम से पीएच ऑक्सीजन AlCl3 का फॉर्मेशन करा सकते हैं।
तो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, AlCl3 के ऊपर माइनस चार्ज होगा। एक बार अगर ये रिएक्शन हो गया तो ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो शायद याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताए थे कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के केस में अगर बेंजीन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तब उस केस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इसका मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो ऊपर का पॉइंट नोट कर लो, फिनॉल हो या एनिलीन हो दोनों में एग्जैक्टली सेम पॉइंट है दोनों को हम लोग, और इसका काउंटर पॉइंट भी है कि ठीक है अगर ऐसा कराना ही है हम लोगों को तब क्या कराए, तो उस केस में फिर हम लोग आराम से एक रिएक्शन को यूज करते हुए काम कर सकते हैं। उस रिएक्शन का छोटा सा आइडिया हम लोग को मिल चुका है, एसिटाइलेशन वाला पार्ट, अभी हम लोग उस चीज को यूज करेंगे। उस पॉइंट का ध्यान रखना जो हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट में डिस्कस किए थे कि कभी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच है तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो सकता है, वो एक पॉइंट तो याद रखना ही रखना है। और इसको नोट डाउन करने के बाद पॉइंट स्टार मार्क कर लेना फिर से। इन ऑर्डर टू कैरी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन असाइलेशन या एसिटाइलेशन बोलना ज्यादा बेटर होगा, एसिटाइलेशन ऑफ OH ब्रैकेट में NH2 ग्रुप लिखते जाओ पॉइंट को, इन ऑर्डर टू कैरी आउट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन एसिटाइलेशन ऑफ OH ग्रुप इज डन फर्स्ट एसिटाइलेशन ऑफ OH ग्रुप इज डन फर्स्ट followed by Friedel-Crafts reaction followed by Friedel-Crafts reaction followed by hydrolysis। पहले acetylation कराएंगे और उसके बाद फिर हम लोग Friedel-Crafts reaction कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम से hydrolysis करा के phenol वाला part या फिर aniline वाला part निकाल सकते हैं। कुछ इस टाइप का हम लोग कंसिडरेशन लेके चल रहा है, क्योंकि हम एसिटाइलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल के रिएक्शन में, तो हम लोग उस चीज का डिस्कशन नहीं कर रहे। अगर हम लोग इसका रिएक्शन एसिटाइलेशन के लिए कराना चाहते हैं तो आराम से हम लोग CH3 डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर हम लोग किसी एनहाइड्राइड के साथ CH3 डबल बॉन्ड O बेसिकली इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ से H हटेगा, इधर से Cl हटेगा, या फिर ये पूरा ग्रुप हटेगा। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3 का एडिशन हो गया क्या इससे, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर वाला पार्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में चला गया, तो लोन पेयर का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। एक बार लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया तो ये AlCl3 के साथ रिएक्शन कर पाने की कंडीशन में नहीं रहेगा, प्लस एम इफेक्ट है बट AlCl3 के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी में उतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो फिर इसके बाद हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आराम से करा सकते हैं। मान लो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग अल्काइलेशन करा रहे हैं तो RX के साथ हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों का O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3 और इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों का कार्बन चेन वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट में पैरा पोजिशन पर लग सकता है। और इसके बाद हम लोग जब हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हम लोगों का जो ईस्टर वाला पार्ट है वो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में अपने ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा,
कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पे OH ग्रुप का एडिशन होगा, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग आराम से यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो जो फिनॉल वाला पार्ट हम लोग का पहले हटा था, वो फिनॉल वाला पार्ट वापस से फॉर्मेशन में निकल के आ जा रहा है। इस चीज को हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो एसिटाइलेशन का प्रोसेस है, जब एनिलीन में कराते हैं तो इस चीज को हम लोग शॉर्टेनबॉमन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हम यहीं पे इस चीज को मेंशन कर ले रहे हैं नाम, ऑल्दो एनिलीन में मोस्टली हम लोग, एक सेकेंड, शायद ये नाम हम लास्ट क्लास में मेंशन कर दिए थे कहीं पे, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है लास्ट क्लास में। अच्छा, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, शॉर्टेनबॉमन रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, शॉर्टेनबॉमन रिएक्शन इसको नहीं बोलते। HBF4 के साथ जो रिएक्शन होता है, इस चीज को हम लोग बाल्ज साइमन रिएक्शन बोलते हैं। इस चीज को बाल्ज साइमन रिएक्शन बोलते हैं। शॉर्टेनबॉमन रिएक्शन हम लोग एसिटाइलेशन को बोलते हैं। थोड़ा शायद गलती से लिख दिए होंगे, ध्यान से उतर गया होगा, ध्यान से उतर गया, तुम्हें से किसी को पता भी नहीं चला। वाह सही है, नोट कर लो नाम, बाल्ज साइमन रिएक्शन। तो इस केस में इस चीज को हम लोग एसिटाइलेशन वाले प्रोसेस को शॉर्टेनबॉमन रिएक्शन भी बोलते हैं। थोड़ा नाम ध्यान रखना, अगर इन केस कहीं मेंशन कर दिया व्हाट इज शॉर्टेनबॉमन रिएक्शन, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और अगर असाइलेशन कराना है तो असाइलेशन करा दो, RX की जगह पे हम लोग आराम से RCOCl वाले पार्ट यूज करके AlCl3 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन वाले पार्ट का, मतलब फिनॉल वाले पार्ट का जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसके बाद कुछ छोटे छोटे रिएक्शन हैं, जैसे जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कैसे होगा, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कैसे होगा, फिर तुम्हारा लीवर में नाइट्रोसो टेस्ट क्या होता है, उसके अलावा रिएक्शन वाले पार्ट में और तो कोई ऐसा रिएक्शन फिनॉल का तो नहीं है, बाकी दो रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन प्राइस रीअरेंजमेंट जो कि मेंस के सिलेबस में नहीं है, क्लेजन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट ये भी मेंस के सिलेबस में नहीं है, और ये दोनों रिएक्शन के बाद हम लोग का फिनॉल का रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एनिलीन में भी एग्जैक्टली सेम टाइप से प्रिपरेशन का मेथड और प्रिपरेशन के बाद रिएक्शन का मेथड चलेगा। तो मुश्किल से हमको लगता है कि आधे घंटे का टॉपिक एनिलीन का होगा और बेंजीन वाले पार्ट में 10 से 12 मिनट 15 मिनट का टॉपिक होगा, क्योंकि उसमें कुछ रिएक्शन के याद रखने के लिए इनऑर्गेनिक टाइप के हम लोग मेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का फिनॉल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम तुम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क वाले पार्ट को नोट डाउन करना, जो तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है उन्हीं बुकलेट्स के क्वेश्चंस को हम लोगों को ट्राई करना है। एरोमेटिक कंपाउंड वाले बुकलेट की बात करते हैं पहले, क्योंकि SNAR वगैरह सब तो होमवर्क दे ही चुके थे तुम लोगों को। तो इसमें सबसे पहला पार्ट एरोमेटिक कंपाउंड में जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट दे रखा है, ये जो रिएक्शन था लास्ट क्लास में बोले थे इस चीज को छोड़ देना, ये सब रिएक्शन सब ट्राई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चारों रिएक्शन ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये एक रिएक्शन अभी बाकी है, ये हम लोगों का रिमर-टीमन रिएक्शन है, इसको हम लोग नेम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का केवल ए और सी पार्ट ये ट्राई करना, सवाल में जो जो नोट्स कॉपी में लिखवाया है मोस्टली वही सब सवाल है, कुछ यहाँ पे नया नहीं है, तो आराम से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक पार्ट ये बाकी रह गया है, कैरेक्टरिस्टिक कलर विद FeCl3 जो हम बोले थे अभी, FeCl3 के साथ रिएक्शन, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सब रिएक्शन भी हम लोगों का उसी पार्ट में डिस्कशन में आएगा, मतलब एक छोटे से 2-3 पार्ट हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी पहला वाला जो पार्ट है, ये रिएजेंट जो हम लोग जिंक डस्ट बोल रहे थे एग्जैक्टली वही रिएजेंट है। अगर जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हम लोग हीटिंग कराते हैं तो OH ग्रुप हट करके वहां पे बेंजीन का एडिशन हो जाता है, मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, इनऑर्गेनिक टाइप का रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगा। तो ये भी आज होमवर्क नहीं दे सकते। ये सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ऑल्दो ये हमें अभी तक बताया नहीं है। जैसे फॉस्जीन है, तो फॉस्जीन का स्ट्रक्चर ये होता है Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली खुद से ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अभी तक पढ़ाया है उतना ज्ञान काफी है।
ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं सी ऑप्शन, ऑल्दो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट जो काम फिनॉल में हुआ था सेम काम यहाँ Br2CH2 और Br2H2 दे रखा है, सेम चीज यहाँ रिपीट होगा, ट्राई करके देख लेना। तो 8th क्वेश्चन नंबर पूरा ट्राई कर सकते हैं। इसमें अब मिसलेनियस रिएक्शन आना शुरू हो गया है, मतलब ये डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन है, वो एक यूनिक टॉपिक है जो हम लोग अलग से डिस्कस किया करते हैं, है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट, यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते। इसी रिएक्शन की बात कर रहे थे, डोज प्रोसेस, क्लोरीन वाला पार्ट NaOH के साथ रिएक्शन करने पड़ेगा, 633 केल्विन दे रखा है, तो 350 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, एक बार चेक करके देख लेते हैं, 300, 500, 7, 5, 12, 623 दे रखा है, 633, हाँ ठीक है, मतलब 350 डिग्री सेल्सियस नियर अबाउट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, होता तो 350 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 623 केल्विन होना चाहिए था, 633 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं, पार्ट 2 वाले पार्ट का, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि इप्सो सब्स्टिट्यूशन बता दिया है तो आइडिया लग जाएगा इस चीज का, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड इप्सो सब्स्टिट्यूशन कराता है, तो वहां पे हम लोग आराम से ब्रोमीन को डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये एक चीज नोट कर लेना, प्रेसिपिटेट वाला पार्ट जो हम लोग का ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बनता है पिक्रिक एसिड, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट की जैसा मेंशन कर लेना वहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 11 13 फिनॉल एनिलीन को रिलेट करके सॉल्व किया जा सकता है सवाल, बस उसमें नाइट्रेशन का एक पार्ट रह गया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और जो भी क्वेश्चन एनिलीन का दे रहा है इन सारे क्वेश्चंस को फिनॉल से रिलेट कर करके सॉल्व करना, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलेंगे बट केवल बोलने के लिए होगा, पहले ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30
क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज टू का क्वेश्चन नंबर वन, अच्छा सवाल है, इसी तरह के सवाल की बात कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म में ऐसा पूछा जा सकता है, है ये क्यूमीन वाले ही पार्ट का ऑलमोस्ट, लेकिन इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, और इसी तरह का सवाल पूछा गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, टेन, ट्वेल्व, ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई कर लेना, पहले इतने क्वेश्चन ट्राई करना, बाकी क्वेश्चन को लो आराम से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जिसको भी डाउट होगा वो ग्रुप में डाल देना, आराम से डाउट डिस्कशन करते चले जाएंगे।